आज काफी दिनों बाद मैं वीडियो में आ रहा हूँ। अच्छा, हमको सिखा रहा है। एक्चुअली क्या आपको तो प्रॉब्लम पता ही है, मैंने बनाया था एक बार एक वीडियो तो बनाया था कि पापा का तबीयत खराब था और जिसके वजह से पापा का डेथ हो गया और मैं उसके कारण से वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आज मैं अपने शॉप में बैठा हुआ और सामने से जो है सीएम का काफिला गुजरने वाला है, तो मेरा वीडियो बनाना आपके लिए लाजमी होता है। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो मैं फटाफट बाहर का व्यू आपको दिखाने वाला हूँ, तो आइए चलते हैं और बाहर का नजारा आपको दिखाते हैं, क्योंकि बाहर का नजारा जो है ना देखने लायक है। रोड पे एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, पुलिस की गाड़ियां कतार पे चली जा रही है और पुलिस की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट हो चुका है। हमें लग रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ और भी होने वाला है जिसकी वजह से सिक्योरिटी इतना ज्यादा टाइट है। तो फिलहाल मिलते हैं रोड पे और आपको काफिला दिखाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का। फिलहाल पिछली बार जैसे मैंने वीडियो बनाया हुआ था कि राष्ट्रपति आ रहे हैं, आज उसी तरीके से ऐसा कोई और भी आ सकता है, लेकिन रोड एकदम जीरो हो चुका है। मैं आपको शाम के टाइम का माहौल दिखा रहा हूँ। फिलहाल अभी 7 बजने को है और रोड पूरी तरीके से जीरो हो चुका है और खतरनाक तरीके से माहौल चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ बैक साइड का व्यू। पूरा रोड पे सन्नाटा पसरा हुआ, पुलिस की गाड़ियां रौंद रही हैं। सिर्फ सपोर्ट कर रहे भाई, हटा गाड़ी जल्दी भाई, इतना सामान लेने में लोग बिजी हो गए हैं गाड़ी खड़ा करके। ये तो पुलिस वालों की वाट लगा रहा भाई, गजब बेइज्जती है। कोई बात नहीं, होता जाता रहता है। यार ये हद हो गया, पब्लिक तो मान ही नहीं रही है। पुलिस वालों की आज बैंड बजाने पे हम लगी हुई है। आज भी रोड एकदम सन्नाटा, खाली पूरा, सारे लोग साइड में हैं। लाल ऐसा लग तो नहीं रहा है कि सीएम की रैली आने वाली है, क्योंकि सीएम की रैली होती तो इतना ज़्यादा जो है सिक्योरिटी टाइट नहीं किया जाता है। मे भी कोई और हो सकता है, पेपर में तो फिलहाल सीएम के बारे में ही दिया गया कि सीएम आ रहे हैं। फिलहाल देखते हैं कौन और आ रहा है। फिलहाल हमारे अवधेश भी अभी निकल चुके हैं बाहर मुआयना करने के लिए कि कौन आ रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गाड़ियों की कतार जो है वानी शुरू हो गई है, आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं आप, ये लाइटें दिखाई दे रही होंगी आपको, काफी मतलब ज्यादा गाड़ियां आ रही हैं। इससे अंदाजा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा वीआईपी आने वाला है। देख सकते हैं आप लोग क्या मतलब, अभी भी ये सीएम योगी आदित्यनाथ की गाड़ियां अभी नहीं गई हैं। ये सारी गाड़ियां अभी सिक्योरिटी रीजंस के लिए जो है निकली हैं। अब ये सीएम की गाड़ी अब आ रही है, डब्लू का फ्लैग निकल चुका है। अब सीएम की गाड़ी कितनी स्लोली मतलब धीरे धीरे जो है यहां से निकलेगी और अब आपको मैं काफिला दिखा रहा हूं, आप पूरे वीडियो में बने रहे। ये गाड़ी गई और अब आपको दिखा रहा हूं, ये फॉर्च्यूनर, ये है बाबा जा रहा है इसमें बैठ के। अब हम लोगों के लिए ये सारी चीजें तो आम बात हो गई है ना दीदी, दीदी को भी दिखाइए।
नो 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 नो, आपको नहीं दिखाएंगे। तो एक्चुअली क्या है ना कि ये गोरखपुर वालों के लिए ना वो आम बात हो चुकी है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई आया जाता है यहाँ से। अभी देखिए सीएम जी यहाँ से गए हुए हैं, थोड़ी देर बाद शायद अभी रवि किशन जी भी यहाँ से जाएंगे, और थोड़ी देर बाद इसके पापा भी जाएंगे यहाँ से, तो गाइस आप ये देख सकते हैं कितना ज्यादा क्राउड है, मतलब इतनी गाड़ियां जो है फंसी पड़ी हुई थी। ये सारा कुछ होता है जब सीएम और पीएम यहां से गुजरते हैं तो रोड का हाल कुछ इस तरीके से होता है, मतलब काफी बेहाल हाल हो जाता है यार। तो गाइस कोई ये वीडियो नहीं था ऐसा, जनरली मैंने एक वीडियो क्रिएट कर दिया क्योंकि यहाँ से सामने से सीएम जो जा रहे थे तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना देना बहुत अच्छा है, और उनका कॉन्वॉय जो है इतनी तगड़े तरीके से जा रहा था, और जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ जब यहाँ से गुजरते हैं तो उनका काफिला बहुत ही जोरदार का होता, तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर हम यहाँ पे और हमारे सामने से काफिला जाए तो हम उसे रिकॉर्ड करके आपको दिखाएं ना, तो ये हो नहीं सकता। तो मैंने रिकॉर्ड किया और आप वीडियो का पूरा पूरा मजा ले, पूरा पूरा लुत्फ उठाए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।